टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम ब्लॉगिंग के सेकंड पार्ट में ये सीखेंगे कि हम जो ब्लॉगर का थीम है उसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जो पार्ट वन था वहाँ पे हमने देखा था कि हम थीम को कैसे डाउनलोड करना है, ब्लॉगर की अगर डोमेन कैसे सिलेक्ट करनी है, नाम वगैरह उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हम कैसे अपलोड कर सकते। आज हम देखेंगे कि हमने इसको कस्टमाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है ब्लॉगर पे वो यहाँ पे टॉप पे आपका लोगो होता है, मतलब कि जिस नाम से अब मेरा, क्योंकि शॉपिंग मरकज के नाम से है, अफिलिएट मार्केटिंग के इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे लेआउट में, आप ब्लॉगर में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये टॉप पे है लोगो एंड टाइटल। लोगो एंड टाइटल में यहाँ पे एडिट में गए, सिंपल यहाँ पे हम अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल हम यहाँ से डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है ये लोगो के नाम से, तो सिंपल हम यहाँ पे ये अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड, यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा लोगो, ये यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये हमारा लोगो यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो इस तरह आप जो है ना ये आप अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये मेन जो पार्ट है, पार्ट मेन्यू जो है, यहाँ पे हम मुख्तलिफ होम है, सर्विस है, सर्विस में करेंगे तो हमारी ये वर्किंग सर प्रोसेस है, ठीक है। आगे पोर्टफोलियो में जाएंगे तो हमारा ये पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये ऊपर ये जो दिया हुआ है अवर पोर्टफोलियो। यहाँ पे टेस्टनोमियल में आपका यहाँ पे ये सेक्शन ऐड नहीं है, इसी तरह अबाउट में आपका ये सेक्शन ऐड है, मतलब कि यहाँ पे आप पिक्चर, मीट दी टीम, मतलब जो आपकी टीम है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट, मतलब कि पॉप अप मेन्यू लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसी पेज पे जो है ना उस सेक्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पे बाकी तो वर्किंग में है, वर्क भी है, पोर्टफोलियो भी है, लेकिन ये टेस्टनोमियल जो है ये ऐड नहीं है, तो इसको हम इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम थीम में जाएंगे, थीम में जाने के बाद यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट, एडिट एक्सएमएल जो है ना, HTML जो है यहाँ पे जो है ना कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है, यहाँ से आपने सर्च नहीं करना, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल एफ करेंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है टेस्टी मोनियल, ठीक है। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे टेस्टन नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पे हम देखते हैं इसमें सर्विसेज, क्लिक सर्च करते हैं सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में यहाँ पे ये देखें ये एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे सारे ऐड है, सर्विसेज है, वर्क है, टेस्ट नॉमिनली, सिंपल हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो जैसे ही ये हो जाता है अपडेट हो जाता है, अपडेट हो गया तो यहाँ पे सिंपल हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये जो एक्स्ट्रा सेक्शन था ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें टेस्टिमोनियल जो है ये ख़त्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे वेलकम टू, यहाँ पे हमने अपना लिखना है, ठीक है, शॉपिंग मरकज, और यहाँ पे हमने अपना नेम ऐड करना है। तो सिंपल हम इसको बैक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद यहाँ से ये जो है यहाँ पे हेडर टाइटल विजेट लोगो डिस्क्रिप्शन, इसमें एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें ये उसका कोड लिखा हुआ है, तो हमने बाकी किसी में भी चेंजिंग नहीं करनी, जहाँ पे वो लिखा हुआ है जोन, मतलब कि जोन का वहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे हम अपना नेम ऐड कर लेंगे, मतलब कि जो इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं इनको नहीं ख़त्म करना, जस्ट आपने नाम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अपना मोहम्मद बिलाल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन टाइटल है वेलकम टू सोरा थीम, ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना कर देते हैं वेलकम टू शॉपिंग मरकज, यहाँ पे सेव करेंगे। बाकी अगर आप चेंज करना चाहते हैं डेवलपर आर डिज़ाइनर तो ये भी चेंज कर सकते हैं, आई एम राइटर, आई एम ब्लॉगर, या ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, इसमें आपने ब्लॉगर लिखना है या जो भी आपने लिखा, मिसाल के तौर पे मैं ब्लॉगर लिख देता हूँ ब्लॉगर, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए सेव करूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा,
तो ये देखें, वेलकम टू शॉपिंग मर्कज, आई एम मोहम्मद बिलाल, आई एम आ डेवलपर और आई एम आ ब्लॉगर। तो इस तरह आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा ये सेक्शन सोशल मीडिया आइकन्स का। तो यहाँ पे फिर हम लेआउट में जाएंगे, तो यहाँ पे देखें टॉप सोशल मीडिया विजिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल एडिट में जाएंगे। अब एडिट में जाने के बाद यहाँ पे अब मैंने अपना लिंक लगाना है। यहाँ पे एडिट में गए, सिंपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ www.facebook.com/infography-bf। ठीक है, ये हमारा एक पेज है फेसबुक का। तो यहाँ पे हमने सिर्फ bf तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे। ये देखें, ये पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम सी सेलेक्ट करके इस पे साथ डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, इसको सेव कर लिया। इसी तरह हम ट्विटर का, मतलब कि जो हमारा अपना मेन जो लिंक है, आप यहाँ पे अगर मैं ट्विटर का ऑन कर लेता हूँ, ट्विटर, ठीक है, मैं आपने अपनी प्रोफाइल सेट करके उसका जो लिंक है वो सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे ये ट्विटर ओपन हो जाएगा, ये फेसबुक था, लिंक मैंने लगा दिया वहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, आप अपने प्रोफाइल में जाके यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लें ऊपर, कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ पे लेआउट में आए, ये ट्विटर का, कंट्रोल वी कर लिया, इसको सेव कर लें। इसी तरह इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, मतलब कि जो जो भी लिंक आप यहाँ पे लगा, अगर मैं वन बाय वन सारे लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको बताने, यहाँ से हम सिंपल सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमने फेसबुक का लिंक लगाया था, यहाँ पे जैसे ही ऊपर लेके आएंगे, ये देखें नीचे भी जो है ना, लेफ्ट साइड पे नीचे जो है यहाँ पे वो शो कर रहा है, लेकिन हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके फेसबुक के ऊपर, तो वो सिंपल हमारे जो है ना, हमारा जो मेन पेज है वहाँ पे हमें ले जाएगा। तो इस तरह आप जो है ना लिंक लगा सकते हैं, सोशल मीडिया आइकन के लिंक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया लिंक लगा दी है। अब आवर वर्किंग प्रोसेस, अब आवर वर्किंग प्रोसेस जो है हमारा, उसमें हमने कि मतलब कि यहाँ पे एडिटिंग कैसे करनी है, यहाँ ये भी जो है ना कोडिंग के थ्रू होगा। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे ब्लॉगर पे, यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे थीम पे, थीम में से यहाँ पे हम एडिट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपने सर्च कर लेना है आवर वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल एफ, आवर वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये नीचे ले आया हमें आवर वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब मैं जो टाइटल है उनका, आवर प्रोसेस क्रिएटिंग ऑसम प्रोजेक्ट, जो जो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे है कॉन्सेप्ट, अब मैं जो नीचे है क्लियर, यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट में। ठीक है, वहाँ पे ये देखें नेक्स्ट, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब उसके नीचे जो मेन लाइन लिखी हुई है ये है। ठीक है, मतलब कि जो मतलब बाय डिफॉल्ट जो लिखी हुई है, अब यहाँ पे हमने इसमें चेंज नहीं करनी है, इसको हम कर देंगे ख़त्म। लेकिन इसको ख़त्म करके, तो हम, मेरे पास ये एक लाइन है मिसाल के तौर पे, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम, मैं कर दूंगा कंट्रोल वी। ठीक है, ये है फर्स्ट में थिंग अबाउट, मतलब टॉपिक है, अगर ब्लॉगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप उसके हवाले से जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो लाइन है, इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब सिंपल मैं जाऊँगा वहाँ पे, इधर यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। इसके मतलब कि जो दो फुल आगे फुल स्टॉप यहाँ पे आप ऐड कर दें, आगे हमारा है, देन हम इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये आगे था रीटच। ठीक है, तो ये आपका डमी कंटेंट लिखा हुआ था, तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आगे नेक्स्ट लास्ट लाइन जो है फिनिश, तो यहाँ पे ये देखें फाइनलाइज, फाइनलाइज में हम जो है ना ये लाइन ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ख़त्म करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक हो गया, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो हम
यहाँ से इसको अपने जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करेंगे, तो अपडेट हो गया, तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, ये डमी कंटेंट लिखा हुआ था, अब हमारा यहाँ पे ये देखें कॉन्सेप्ट क्या था। फर्स्ट वी थिंक अबाउट व्हाट टॉपिक्स वी वांट टू ब्लॉग अबाउट, मतलब कि सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मतलब कि मेरे टॉपिक क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब कि हमने अपना वर्किंग प्रोसेस बताना है कि हम कैसे वर्किंग कर रहे हैं। प्रिपेयर देन अ कंप्लीट सर्च इज डन अबाउट द टॉपिक, मतलब कि वो अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद देन आई टाइप एंड गिवन अ फाइनल लिटल टच, मतलब कि उसके बाद टाइप करने के बाद लिटल रिटच देता हूँ उसे, और फाइनल में क्या करता हूँ, आफ्टर गिविंग द फाइनल टच इट इज पब्लिश्ड, मैं उसको फिर पब्लिश कर देता हूँ। तो इस तरह आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आगे है हमारा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो में हम जो है ना ब्लॉग अपना लिखते हैं, पोस्ट बनाते हैं, फिर पेजेस बनाते हैं, वो नेक्स्ट हम में पार्ट में करेंगे, पेजेस कैसे क्रिएट करने और आपने पोस्टें वगैरह कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपके ब्लॉग होंगे सारे। तो मीट दी टीम, अब आगे नेक्स्ट है मीट दी टीम। अब मीट दी टीम में अब यहाँ पे आप अपनी पिक्चर, ये भी कोडिंग के थ्रू होंगी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है, मतलब ड्रॉप पॉपअप जो मेन्यू जिसमें होता है वहाँ पे ये थोड़ा सा इशू होता है कि मतलब कि उसमें चेंजिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, कोडिंग के थ्रू होती है। ये इस वजह से मैं करा रहा हूँ कि ताकि जो है ना आपको आसानी हो। बाकी जो थीम होते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको ब्लॉगिंग में जिस तरह मर्जी का मतलब कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट भी आ जाए तो आप उसको भी इजीली कस्टमाइज कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे हम ये डिज़ाइनर यही रहने देते हैं। हमने अब यहाँ पे पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ ये भी कोडिंग के थ्रू होगी, लेकिन आपने पोस्ट एक क्रिएट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे जो है ना मैं इसमें एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल में जाके यहाँ मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी पिक्चर अपलोड होगी, तो यहाँ से हमने इसको कर देना है अपडेट, ठीक है। मतलब कि एक पोस्ट बना लें जिसमें अगर तीन बंदे हैं तो तीनों की, मैं फिलहाल वक्ती तौर पे मतलब कि तीनों की जगह एक ही पिक्चर लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम जाएंगे अपने ब्लॉग में, तो यहाँ पे जो है ना अब सिंपल सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग है ये, ठीक है। अब हमने इसको क्लिक करना है ब्लॉग को, ठीक है। ब्लॉग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को प्रीव्यू करना है, मतलब कि यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, अब इमेज का एड्रेस कॉपी करना है, तो यहाँ से सिंपल आप इसको कर दें क्लोज। अब हम बैक में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम थीम में गए, थीम में यहाँ पे जाएंगे एडिट HTML, HTML में जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम जो है ना ये जो हमारा जो हम देख लेंगे कि हम किस नाम से सर्च करें, ये मीट दी टीम। अब हम सर्च करेंगे Ctrl+F मीट दी टीम, मीट दी टीम में सर्च करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये हमारे पास आ गए मीट दी टीम। अब अवर प्रोसेस आर क्रिएटिंग ऑसम प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे ये जो ऊपर हेडिंग मेन लाइन थी ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप मीट द टीम को भी आप चेंज कर सकते हैं, अवर प्रोसेस ये भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं फिलहाल ये चेंज नहीं करके बिल्कुल। आप यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है अगर आपने चेंजिंग करनी है, तो फिलहाल मैं देखेंगे कि हम इमेज कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है इमेज सोर्स, अब सोर्स में हमने ये जो HTTP कोमा जो लगा है इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना, ये जो एंड पे कोमा लगा हुआ है और दूसरा जो आपका ये जो कोमा है स्टार्टिंग में इसको खत्म नहीं करना, इसको कर देंगे रिमूव। जो हमने किया था कॉपी उसको कर देंगे Ctrl+V, ठीक है। सिंपल हम यहाँ से इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अगर आपने तीनों की जगह यही पिक्चर लगानी है तो आप जो है ना इसको, अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अवर वेब डिजाइन विल स्पेंड, मतलब कि ये जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये आपको अवर डिजाइन टीम, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना ये जब अगर मैं चेंज करूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आए तो यहाँ पे एंड पे उसका नाम लिखा हुआ है ये जॉन मार्शल, तो सिंपल आपने क्या करना है जॉन मार्शल को यहाँ से ख़त्म करना है, अपना नाम लिख लेना है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ बिलाल, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। आप ग्राफिक डिजाइनर है, डिजाइनर अगर आप राइटर लिखना चाहते हैं, डिजाइनर लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं ये
आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे भी इमेज, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड आपकी इमेज आ गई है। सेकंड इमेज में भी आपने इसी तरह इसको सिलेक्ट करके जो आपने इमेज लगानी है, तीन पिक्चर जो आपने उनका जो सिलेक्ट किया होगा उनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसका नीचे जो नाम है स्टीव रिबॉर्ट या जो भी इसका नाम है, यहाँ पे हम इसको जो है ना चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने नाम चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी पिक्चर को हम ये सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि जो है ना जो हमने कॉपी किया था पिक्चर, आप तीनों का अलग अलग जो है ना आपने कॉपी करना, अगर तीन पिक्चर लगानी है कंट्रोल वी किया। बाकी ये हम टाइटल यही रहने देंगे, यहाँ पे हम इसको नाम को नीचे चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पे ठीक है, अब ये हमने अपडेट कर दिया, हम इसको कर देंगे सेव। जैसे ही सेव ये अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो गया। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे ये देखें ये तीनों पिक्चर यहाँ पे ये लग गई हैं। इस